हेलो, मैं प्रवेश शर्मा, टीचिंग ऑफ संस्कृत के अंतर्गत। जैसा कि लगातार हमारा टॉपिक चल रहा है, पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। पत्र लेखन के विषय में पिछली वीडियो में बताया जा चुका है सामान्य पत्र के विषय में। अब हम आगे देखेंगे, लेकिन पत्र के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात फिर से बता देनी आवश्यक है। सबसे पहले, पत्र लेखन की भाषा सरल यानी इजी और स्पष्ट होनी चाहिए तथा संभव व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य पत्र लेखन में प्रारंभ में बड़ों के लिए प्रणामः, प्रणतम, प्रणतः, नमस्कारः लिखना चाहिए और छोटों के लिए सुवासिसा लिखना चाहिए। पत्र के अंत में बड़ों के लिए भवताम, आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी, भवताम अनुचरा आदि लिखना और छोटों के लिए शुभेच्छु, तब शुभचिंतक का आदि लिखना चाहिए तथा बराबर वालों के लिए भवदीया आदि लिखना चाहिए। आवेदन पत्र लिखने में पहले बाईं ओर सेवायाम, सेवासु अथवा प्रतिष्ठान लिखकर उसके नीचे अधिकारी का पद, संस्था या कार्यालय का नाम, पता लिखना चाहिए। फिर उसके नीचे संबोधन में मान्या, महोदया, श्रीमंता, प्रिय महोदया आदि शब्द लिखने चाहिए। पत्र के नीचे समाप्ति पर प्रार्थी व प्रार्थनी, भवदीया या भवदीया आदि लिखकर अपना पता लिखना चाहिए। निमंत्रण पत्र में ऊपर केवल महोदया, महोदय अथवा श्रीमान या श्रीमंता आदि लिखना चाहिए और नीचे दर्शनाभिलाषी और निवेदक आदि लिखना चाहिए। सामान्य पत्र के विषय में पिता को पत्र आदि भी हमने आपको बताया था, लेकिन आज हम आवेदन पत्र के विषय में बताएंगे। लेकिन उससे पहले पत्र का महत्व देख लेते हैं। ए लेटर इज ए रिटेन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटेन और प्रिंटेड ऑन पेपर। इट इज यूजुअल सेंड टू द रिसिपेंट वाया मेल और पोस्ट एनवलप। ऑल्दो दिस इज नॉट ए रिक्वायरमेंट, एनी सच मैसेज दैट इज ट्रांसफर्ड वाया पोस्ट इज ए लेटर ए रिटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टू पार्टीज। पत्र के मुख्यतः तीन प्रकार तो होते ही हैं, जैसा कि अभी बताया जा चुका है, सामान्य पत्र, आवेदन पत्र तथा निमंत्रण पत्र। इसके अलावा अन्य प्रकार भी, अन्य भागों में भी पत्र को विभाजित किया गया है। तो अभी हम आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे। टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र। ये पत्र पिता को, माता को, जो भी घर संबंधी होते हैं, नहीं लिखे जाते। ये पत्र कार्यालय, स्कूल, जहाँ पर औपचारिकताएं पूरी होती हैं, वहां के लिए लिखे जाते हैं। इसमें सारी फॉर्मेलिटीज, नियम का जो है प्रयोग किया जाता है, बिना नियम के नहीं। भाषा बहुत ही सुधरी और समरी हुई होती है। दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। इसमें ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। ये माता पिता आदि संबंधियों में लिखे जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो है अपनी शिकायत को दूर करना, इस प्रकार की बातें इसमें सम्मिलित हो सकती हैं। नेक्स्ट है बिजनेस लेटर यानी कि व्यवसायिक पत्र। ये बिजनेस से संबंधित पत्र होते हैं। ऑफिशियल लेटर्स, ये ऑफिस यानी कि कार्यालय से संबंधित होते हैं। सोशल पत्र यानी कि ये सामाजिक पत्र होते हैं। इसके अलावा सर्कुलर और एम्प्लॉयमेंट लेटर्स होते हैं। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार से संबंधित पत्र लिखे जाते हैं। आपके सामने है आवेदन पत्र का प्रारूप यानी कि अवकाश हेतु प्रार्थना पत्रम। सेवासु प्राचार्य महोदया, राजकीय महाविद्यालय बदली। महोदय, महोदया, सविनयम् निवेद्यते इदेहम् गत दिवसात् शीत जरेण पीड़ितो अस्मि। तेन विद्यालये उपस्थातुम् असमर्थो अस्मि। अतो अयम् प्रवर्ति दिनद्वयस्य अवकाशम् स्वीकृत्य मम अनुगृहीत गृहीष्यन्ति भवान् इति। दिनांक 8/5/2020। भवताम शिष्य नरेंद्र कुमार XYZ, कुछ भी हो सकता है। एकादश कक्षा अस्थ, कक्षा भी कोई सी हो सकती है, छात्र जिसमें पढ़ता है। ये केवल पत्र का प्रारूप है। एक और पत्र के विषय में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्रम। तो शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। सेवासु प्राचार्य महोदया, राजकीय महाविद्यालय आगरा बरेली, कुछ भी हो सकता है। महोदया, सविनय निवेदयामि एदहम् भवताम् विद्यालये एकादश कक्षायां पठामि। मम आर्थिकी स्थिति दयनीया वर्तते, अतो अहम् विद्यालये शिक्षार्थ दीयमानं शुल्कं
दातुम असमर्थो अस्मि अतः शुल्क मुक्ति प्रदानेन मामनुग्रहणन्तु भवतः इति। दिनांक एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, भवताम आज्ञाकारी शिष्य एक्स वाई जेड नाम कुछ भी हो सकता है, इसमें भी कक्षा कोई सी भी हो सकती है। एक पत्र के विषय में और बताना चाहूंगी, पुस्तक के हेतु प्रार्थना पत्रम सेवायाम प्रबंधक महोदया रतन प्रकाशन मंदिरम आगरा श्रीमान भक्ता प्रकाशितम इंटरमीडिएट संस्कृत पथ प्रदर्शनम नाम पुस्तकम मया विद्यालय स्व सहपाठिनो हस्ते दृष्टम पुस्तकम अतीव शोभनम विद्यार्थीनां कृते लाभप्रदम च वर्तते अतः तस्य पंचतत्यः सद् एव बीपी द्वारा निम्नलिखित संकेत स्थाने प्रेरणीयति भूयो भूयो प्रार्थ्यते भवदीया राजीव लोचन द्वादश कक्षा अस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालय वाराणसी। इस प्रकार से ये पत्र लिखे जाते हैं। अब इन पत्रों को एक बार से फिर आपको समझाना चाहूंगी कि जैसे कि सबसे पहले हमने लिखा था अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, सेवासु यानी कि सेवा में, प्राचार्य महोदय यानी कि प्रधानाचार्य या प्राचार्य महोदय, राजकीय महाविद्यालय यानी कि राजकीय महाविद्यालय, वही नाम का वही रहता है, सिर्फ इसमें विसर्ग या इसका ही थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, वैसे शब्दों में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता है, स्थान का नाम भी वही रहता है। महोदय सविनयम निवेद्यते यानी कि सविनय निवेदन इस प्रकार से, यदय हम गत दिवसात शीत ज्वरेण पीड़ित अस्मि, मैं पिछले दिन से शीत ज्वर से पीड़ित हूँ या ग्रस्त हूँ या फिर बीमार हूँ। तेन विद्यालय उपस्थातुम असमर्थो अस्मि, इसलिए स्कूल या विद्यालय आने में या उपस्थित होने में मैं असमर्थ हूँ। अतो अयम प्रवर्ति दिन द्वयस्य अवकाशम स्वीकृत मम अनुग्रहीष्यन्ति भवान इति, इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें या फिर 2 दिन का अवकाश स्वीकार करने का कष्ट करें, मैं आपका अनुग्रहित रहूंगा। फिर इसके बाद दिनांक पड़ जाती है और आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका शिष्य, उसके बाद जो भी छात्र लिख रहा है उसका नाम लिख दिया जाता है और तत्पश्चात कक्षा भी लिख दी जाती है। अब हमने जो नेक्स्ट बताया था शुल्क मुक्ति हेतु पत्र, तो वह इस प्रकार से था, प्राचार्य महोदय राजकीय महाविद्यालय आगरा, ये तो फॉर्मेलिटी वैसे की वैसी ही रहती है। सविनय निवेदयामि यदय हम भवतां विद्यालये एकादश कक्षायां पठामि, कि निवेदन इस प्रकार से है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। मम आर्थिकी स्थिति दयनीय वर्तते यानी कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अतो अयम विद्यालय शिक्षार्थम दीयमानम शुल्कम दातुम असमर्थो अस्मि, अतः मैं शिक्षा विद्यालय में शिक्षा के लिए देने वाला शुल्क देने में असमर्थ हूँ, दिया जाने वाला शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः शुल्क मुक्ति प्रदानेन मम अनुग्रह अणन्तु भवतः इति, इसलिए शुल्क मुक्ति प्रदान करने का मेरा ये अनुग्रह स्वीकार करें। इस प्रकार से ये पत्र लिखा जाता है। फिर वही फॉर्मेलिटीज की जाती हैं, जो आवश्यक बातें होती हैं, डेट लिखी जाती है, आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी नाम होता है वह लिख दिया जाता है और कक्षा लिख दी जाती है। इस प्रकार से पत्र संपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम निमंत्रण पत्र के विषय में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।